आज की इस मोकड़ाउन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। फर्स्ट हमें पहला दारो का एंट्रेंस देखने को मिला जो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। दूसरा चेंज हमें कोडी और सेहत की एंट्रेंस दिखाई दी जो कि शील्ड की तरह पूरी तरीके से हुई। सेहत और कोडी के एंट्रेंस होने के बाद फिर इन चारों का सेगमेंट चालू होता है। भाई रोमन यहाँ कोडी से बोलते कि तुम्हारी स्टोरी कभी पूरी नहीं होने वाली और रेसलमेनिया में तुम फिर से एक बार हारने वाले हो। फिर दारो बोलना स्टार्ट करते हैं कोडी रूड्स के फैमिली के बारे में। कोडी रूड्स यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा, कोडी रूड्स यहाँ लगा देते हैं दारो को थप्पड़ और इसी के साथ इस मोकड़ाउन हो जाती है ऑफ ईयर। तो भाई नेक्स्ट वीक हमें और स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या आगे कुछ होता है इन दोनों इन चारों के बीच में। और भाई कोडी रूड्स और सेतु ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है दारो को रोमन का रेसलमेनिया के लिए। मतलब दोनों नाइट में हमें पूरे ब्लड लाइन नजर आने वाली एक तरीके से। और इस बार की रेसलमेनिया में रोमन कोडी सेत की डबल ड्यूटी होने वाली है। तो रेसलमेनिया में इस बार पूरी ब्लड लाइन हेडलाइन करने वाली नाइट वन में भी और नाइट टू में भी। उनकी शुरुआत लोगन पोल करते हैं और लोगन पोल अनाउंस करते हैं WWE की रिंग के बीचों बीच की पहली स्पॉन्सरशिप की प्राइम करने वाली है। ये हमें रिंग के बीचों बीच शो होगी और ये रेसलमेनिया में भी हमें शो होने वाली है। और ये कुछ ऐसा नजारा होगा रेसलमेनिया का। तो भाई लोगन पोल और कुछ बोलते उससे पहले रैंडी ऑर्टन पीछे से आते और आर को लगाने की पूरी कोशिश करते पर लोगन पोल निकल बसते हैं और उनके दोस्त को आर के उधर डालते हैं रैंडी ऑर्टन लोगन पोल की जगह। और हमें लोगन पोल वर्सेस रैंडी ऑर्टन दिखने वाला रेसलमेनिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो भाई ये मैच कंफर्म हो चुका है एक तरीके से।